हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मेरे को जो है कोचार ब्रांड की तरफ से एक स्मार्ट टायर इन्फिल्टर रिसीव हुआ था। तो भाई मैंने जो इस टायर इन्फिल्टर को ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है कि भाई इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, ये कैसे काम करता है, मैंने जो एक चीज आपको जो है उस वीडियो में बता रखा है। अगर आप वाला वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। लेकिन भाई आज हम जो इसको रियल लाइफ में टेस्ट करने वाले हैं कि भाई इसका चार्ज जो है कितनी देर तक चलता है, हम जो है इसमें एक बार में कितने टायर्स को एक साथ इन्फ्लेट कर सकते हैं, एक बार में कितने टायर्स में हवा भर सकते हैं, आज हम जो इसको रियल लाइफ में टेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि भाई कंपनी क्लेम करती है कि आप जो इसमें किसी भी चीज़ में हवा भर सकते हो और आपको जो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। और कंपनी ये भी क्लेम करती है कि इसमें आपको जो 4000 mAh का एक बड़ा बैटरी मिलता है जिसके हेल्प से आप जो अपने किसी भी टायर को जो है इन्फ्लेट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई आज हम जो है वही टेस्ट करने वाले हैं कि इसका बैटरी जो कितने देर तक चलता है और इसका बैटरी जो कितने देर में चार्ज होता है, एक एक चीज़ जो हम इसको जो है टेस्ट करने वाले हैं। तो भाई आप जो मैं एक चीज़ और बता दूं, जब मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हुआ था इसका बैटरी जो है टोटली डेड था और मेरे को जो इसका 0 to 100 चार्ज करने में जो है 1 से 1.5 घंटा लगा था, उससे ज़्यादा नहीं लगा था और जो है फुली चार्ज हो चुका था। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर इसको बाय कर सकते हो। तो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारी स्टाइल इन्फिल्टर का रियल लाइफ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब देखेंगे कि भाई ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है, आपको जो इस वीडियो में प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो भाई आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में आप खुद देख लोगे और उसके बाद आप खुद ही अपना जो है डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भाई फटाफट से इसके पाइप को जो हमारे गाड़ी के टायर के वॉल पर कनेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि भाई ये कैसे चालू होता है। बाकी जो इसका मैंने जो मेन मेन फीचर जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो पर डिस्कस कर रखा है, अगर आपको जो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो भाई आप वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी भाई इसको जो ये ऑलरेडी ऑन हो चुका है, अब आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। भाई नीचे देख सकते हो आप जो 35 PSI ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है और ऊपर जो मेरे टायर में जितना हवा ये आपको बता रहा हूं, तो भाई मेरे टायर पे ऑलरेडी 23.5 PSI का हवा है। फिर मैं जैसे इसका बटन प्रेस करूंगा ये जो है ऑन हो चुका है और अब भाई ये धीरे धीरे जो है हमारे गाड़ी के टायर से हवा भरने लगा है। तो भाई देख सकते हो 35 को मैंने ऑलरेडी PSI सेट कर रखा है और ऊपर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। भाई ये जब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी गाड़ी के जो टायर प्रेशर है ना वो 35 PSI तक ना हो जाए। तो भाई ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन भाई कोई भी अगर आप टायर इन्फिल्टर बाहर से लेते हो तो भाई वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता, आपको जब मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा और आपकी गाड़ी में ये 10 PSI का हवा ईजिली भर देगा। तो भाई आपने ऑलरेडी देखा था कि इसमें जो है 24 PSI का हवा था और इसको जो हमको 35 PSI तक लेके जाना है। तो भाई देख सकते हो ज़्यादा देर नहीं हुआ है और ये जो 27 PSI तक आ चुका है, सॉरी देखो ये 28 भी होने वाला है। तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लेता और आपको जो है ये बेस्ट टाइम फिल्टर देखने को मिलेगा आज के टाइम। और इस टाइम फिल्टर का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि भाई ये अपने आप ऑटो कट हो जाता है। तो भाई मैंने इसमें जो 35 PSI सेट कर रखा है और ये जैसे ही 35 PSI सेट होगा ये अपने आप ऑटो कट हो जाएगा, बस आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। भाई ये 35 हो गया, अब देखना इसको आपको जो है देख सकते हो जैसे ये रुका ना ये हल्का सा वाइब्रेशन किया, इसका मतलब कि ये है कि भाई ये ऑटो कट हो गया। तो भाई इस टायर इन्फिल्टर का सबसे बेस्ट फीचर ये है, आपका टायर जो है बिल्कुल भी ओवर इन्फ्लेट नहीं होगा। तो भाई हमारे गाड़ी का एक टायर जो है टोटली जो इन्फ्लेट हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी अभी भी चार्ज लो नहीं हुआ है, अभी भी ये ग्रीन ही दिखा रहा है। तो भाई एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस टायर इन्फिल्टर को मैं जो चार्ज करके 10 से 15 दिन जो है छोड़ दिया था, तो भाई इसमें भी हो सकता है कि इसका बैटरी हल्का डाउन हो चुका हो। अब देख सकते हो भाई जैसे ही मैं बोला वैसे इसका जो चार्ज आना एक स्टेप डाउन हो गया, एक टायर को प्रॉपरली फिल करते। तो भाई हमारी गाड़ी में जो 24 PSI का हवा था और हमको जो इसको 35 PSI भरना था, तो भाई टोटली जो है 11 PSI हम लोगों ने इसको फिल किया और इसका जो है चार्ज 1% जो है ये डाउन हो चुका है, 1% की एक स्टेप जो है ये डाउन हो चुका है। हो सकता है कि बहुत दिन फुल चार्ज रखे रहने से इसका बैटरी जो थोड़ा सा डाउन हो चुका हो। तो भाई जो भी हम जो अपना टेस्ट अभी भी कंटिन्यू करेंगे और जब तक इसका टेस्ट करेंगे जब तक ये लो ना हो जाए, पूरे गाड़ी के चारों टायर्स में हवा भरेंगे, देखेंगे कि चारों टायर्स में हवा भरते तक इसका बैटरी एक्चुअली चल पाता है या नहीं। तो भाई अब बारी है इसके सेकंड टायर में हवा भरने की। तो भाई मैंने इसको जो ऑलरेडी कनेक्शन कर दिया, भाई आप देख सकते हो मैंने इसका जो PSI है ना उसको भी 35 PSI सेट कर रखा है और इसमें जो ऑलरेडी जो अपना जो PSI है ना वो 34 PSI का इसमें हवा है, मतलब कि मात्र 1 PSI का हवा इसमें हमको और फिल करना था। फटाफट से इसको स्टार्ट करते और इसको बंद करके चालू करने के बाद इसका चार्ज वापस से फुल हो चुका है। तो भाई ये मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड चला हुआ होगा और वापस से ये जो है 1 PSI का हवा भर दिया, मतलब कि भाई 1 PSI का हवा भरते इसको मुश्किल से जो है 10 सेकंड ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। भाई अब क्या करते हैं फटाफट से तीसरे टायर की तरफ चलते हैं, उसमें हवा भरते हैं। तो भाई देख सकते हो इसमें जो है मैंने इसको कनेक्शन कर दिया है और इसमें जो पहले से 35 PSI हम लोगों ने सेट कर रखा है, इसमें जो 32 PSI का हवा पहले से ही है। अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, अब क्या करेंगे फटाफट से देखेंगे कि कितने देर में वापस से ये 35 PSI का हवा भरता है। तो भाई आप खुद ही देख सकते हो सामने इतना जल्दी जल्दी ये वापस जो है टायर को इन्फ्लेट कर रहा है। तो भाई ये समझ आओ एकदम बेस्ट इन्फ्लेटर है आज के टाइम। और इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई अगर आप बैक टू बैक हर टायर्स पे हवा भरते हो तो भाई ये जो इसका पाइप जो है हल्का सा गर्म हो जाता है, और मेरे को ये लगता है कि अगर आप जो इसमें बैक टू बैक चारों टायर्स में हवा भरोगे तो भाई इसका जो पाइप है ना गर्म हो जाएगा और हो सकता है इसका जो प्लास्टिक है ना वो जो है मेल्ट हो जाए। तो भाई मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि भाई इसमें जो आप रुक रुक के हवा भरो, एक बार में ही जो है आपको चारों टायर्स में हवा नहीं भरना है, पहले आप एक टायर में हवा भरो उसके बाद जो 5 मिनट रुके फिर दूसरे टायर में भरो, ऐसा करने से भाई आपका टायर इन्फिल्टर जो है ना काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। लेकिन भाई अगर आपके टायर्स का जो अपना PSI है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, मान लो आपका जो टोटल 35 PSI है और आपकी गाड़ी
टायर्स में सिर्फ 30 PSI हवा है, तो भाई आप 5000 PSI करके एक बार में चारों टायर्स को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का टायर टोटली फ्लैट है तो भाई इस कंडीशन पे आपको एक बार में ही पूरा हवा नहीं भरना है, आपको रुक के भरना ताकि टायर फिल्टर भी गर्म ना हो। तो भाई फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो भाई आप देख सकते, तो मैंने जो अपनी गाड़ी के चारों टायर्स पे हवा भर लिया, लेकिन इसका चार्ज अभी भी रेड पे नहीं आया, मतलब कि भाई ये बहुत देर तक चलता है और आप चाहो तो भाई इसको बहुत देर तक और यूज़ कर सकते हो। अगर मैं किसी बाइक स्कूटी वगैरह पर हवा भरता हूँ तो भाई ये बहुत देर तक चलेगा। और आप एक फिर से बार इसको नोटिस करो, जैसे मैंने सुबह करके चालू किया वापस से उसमें चार्ज जो है ग्रीन आ गया, मतलब कि भाई इसमें उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, इसका कोई चार्ज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। ये अभी भी और बाकी बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लेट कर सकता है। तो भाई इस प्रोडक्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ जाकर इसको बाय कर सकते हो। तो भाई फाइनली ये था इसका फाइनल कंक्लूजन इस टायर फिल्टर का, ये जो एकदम बेस्ट टायर फिल्टर है। और भाई मेन चीज़ जो है ये वायरलेस है, इसमें आपको जो है कोई वायर कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको जो चार्ज करके अपनी गाड़ी को जो है टायर इन्फ्लेट कर सकते हो। सो भाई आज में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस टाइप का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। थैंक यू।